नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो फाइनल T20 मैच खेले जाने वाला 50-20 मैच है। इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों, बता दूँ कि ये जो मैच है ये करो या मरो वाला मैच है, डू और डाई वाला मैच है। दोनों ही टीमों ने दो दो मैच जीते हैं, तो ये मैच जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। अब दोस्तों, बात अगर करेंगे इन्वेस्टमेंट की, इस मैच में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट मीडियम रहने वाला है। अब देखिए, मैच रिस्की होगा या नहीं होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैच रिस्की होने वाला है। अब रिस्की क्यों होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्वांटी निकॉक को सबसे ज़्यादा लोग लेने वाले। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, एक मिनट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि मैच रिस्की क्यों होगा। और उसके अगर बात करेंगे दोस्तों, क्वांटन डिकॉक, दिनेश कार्तिक या फिर ऋषभ पंत, इन तीनों में से आपको किसी दो विकेट कीपर को लेना चाहिए, क्योंकि बैटिंग पीछे और बैट्समैन को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में हमें दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर ऋषभ पंत को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेयर होगा ये हमें देखना होगा। उसके बाद दोस्तों, बैटिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे चूज़ करना होगा एक तो श्रेयस अय्यर या फिर डेविड मिलर। डेविड मिलर काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं, लास्ट के तीनों मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन डेविड मिलर एक ऐसे प्लेयर है जो स्कोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिस्क बना रहेगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो कोई रिस्क हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि हमने अगर दो विकेट कीपर लिए तो हमें चार बैट्समैन को लेना होगा, दो ऑलराउंडर को लेना होगा, लेकिन हमारे पास फिर ऑप्शन जो बचेगा वो तीन ही बॉलर का बचेगा। ऐसे में अगर हम ये तीन बॉलर को टीम में ले लेते फिर भी हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आवेश खान, जिन्होंने लास्ट में चार विकेट निकाले थे, और नेगेटिव यहां पे अगर बात करेंगे नोकिया, तो नोकिया भी विकेट निकाल सकते हैं। तो ये जो दो प्लेयर होंगे इस मैच में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें यहां पे इनको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये तीन प्लेयर अगर हम टीम में लेंगे तो इन दोनों को हमें ड्रॉप करना ही होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हम टीम बनाएंगे तो हमें उसमें 10 प्लेयर सेफ लेना है, लेकिन एक ही प्लेयर पर रिस्क लेना है। अब वो एक प्लेयर ऋषभ पंत हो सकते हैं, या फिर वो एक प्लेयर जो है आवेश खान हो सकते हैं, या फिर वो प्लेयर जो है यहाँ पे डेविड मिलर हो सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताने वाला हूँ जब हम टीम बनाएं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे दोस्तों टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन ओपन करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट कमेंट मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ 50,000 रुपये का फ्री गिफ्ट आपके रखा है, तो इजिली पार्टिसिपेट करके दोस्तों विजन 11 पे आप विन कर सकते हैं। अब चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे कलेक्ट करने वाले हैं। वेन्यू की बात करेंगे तो चिन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु का। 7 बजे मैच स्टार्ट होगा, आपको 6:45 पे, मतलब 6:30 बजे आपको ऑनलाइन रहना होगा। 6:45 पे मैं आपको मेगा लीग की 6 टीम्स प्रोवाइड करूंगा। मेगा लीग का वीडियो 11 बजे आएगा, तो उस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और दोस्तों, बात करेंगे लास्ट के 10 मिनट पर मैं आपको स्मॉल लीग की 2-3 मेंबर्स वाली टीम प्रोवाइड करूंगा, आपको 2-3 मेंबर्स में ही प्ले करना है। देखिए, पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये सारा स्टेट्स निकालने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बता दूँ तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पिच है वो बैट्समैन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अभी तक जो पिच रिपोर्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो 2019 में जो मैचेस खेले गए हैं उस अकॉर्डिंग पिच रिपोर्ट बताने वाला हूँ। वो जो दो मैचेस खेले उसका भी मैं रिकॉर्ड आपको बताने वाला हूँ। वैसे भी जब फाइनल पिच रिपोर्ट आएंगी क्रिकबस पे वो इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच है वो बैट्समैन के लिए सपोर्टिव मानी जाती है, अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं बैट्समैन। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा यहाँ पे प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि बाउंड्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अब छोटी बाउंड्रीज होने के कारण होता क्या है कि स्कोर बड़ा बन जाता है। ठीक है, मतलब बॉल जो है वो जल्दी से ट्रैवल करता है बाउंड्री के पास, क्विक आउटफील्ड हो सकती है। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो भी T20 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, मतलब अच्छा स्कोर बन सकता है। मैं आपको लास्ट के दो मैचेस का रिकॉर्ड बताने वाला हूँ। चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो बात अगर करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए 7 मैचेस खेले गए, 7 T20 मैचेस खेले गए हैं, उसमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते हैं मेरे हिसाब से, और अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही मैचेस जो है बैटिंग सेकंड टीम ने जीते हैं। आप अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 155 रन का यहाँ पे स्कोर है एवरेज, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 मैचेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैटिंग सेकंड टीम करने वाली ने जीते। मैं आपको आपके नीचे भी बताने वाला हूँ। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो 155 का यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, रिसेंटली जो मैचेस खेले गए 2019 में खेले गए, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है। 19 में खेले गए थे, अब यहाँ पे 20, 21 और यहाँ पे 22, मतलब एक तरह से देखा जाए 3 साल का यहाँ पे गैप हुआ है। और जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी तो ये पिच रिपोर्ट मेरे हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन क्रिक बस पे टॉस के बाद जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएंगे उसमें हमें क्लियर पता चलेगा कि पिच पे ग्रास है, क्रैक्स है या फिर पिच फ्लैट है। अगर फ्लैट पिच होगी तो 100% यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट मिलने वाला है। अब देखिए, ये जो मैचेस खेले गए थे आप देख सकते हैं इंडिया ने ये तो मैचेस हारे हैं, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पे देखा जाए जो स्कोर बना है आप देख सकते हैं 190 पे 4 विकेट गए थे, ठीक है, ये तो पुराना स्कोर है। उसके बाद अगर देखा जाए रिसेंट को सितंबर में खेला गया था यहाँ पे 135 पे 9 विकेट गए थे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए 1 ही विकेट गया। मुझे लगता है पिच जो है बैट्समैन को सपोर्ट
करेंगे। वैसे भी फाइनल पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी। बैटिंग सेकंड टीम ने दो ही मैचेस जीते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे यहाँ पे जो दो मैचेस यहाँ पे खेले गए उसका अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे पेसर्स को सपोर्ट मिला है, मतलब 12 विकेट पेसर को मिले, 4 विकेट स्पिनर को मिले। अब हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 11 मैचेस 19 में से इंडिया ने जीते, 8 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। अब देखिए दोस्तों इस पिच की अगर बात करेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम की, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो बना है क्वांटन डिकॉक का स्कोर है यहाँ पे 79। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक जो मैचेस खेले गए 7 मैचेस यहाँ पे खेले गए, उस मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो इस मैच में खेलने वाले प्लेयर है उनका स्कोर कितना हो सकता है आपको ये ध्यान में रखना है। क्वांटन डिकॉक का यहाँ पे इस पिच पर स्कोर है 79, हार्दिक पांड्या का 14 है, विजा हेंड्रिक्स अगर खेलेंगे तो 28 है, उसके बाद टिम्बा बुमा 27 खेलेंगे नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं है, उसके बाद ऋषभ पंत की बात करेंगे 25 है, यहाँ पे दिनेश कार्तिक का 7 है। तो दोस्तों ये 6 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस पिच पे पहले भी मैचेस खेले हैं और स्कोर बनाया है। उसके बाद दोस्तों बॉलर्स की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पिच पे जो है युजवेंद्र चहल ने 6 विकेट निकाल चुके हैं, कगिसुल बड़ा अगर खेलेंगे तो 3 विकेट निकाले, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट निकाले, तरवेश शमसी ने 1 विकेट निकाला। तो मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वाइस कैप्टन आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर जो है स्मॉल लीग में बना सकते हैं, लेकिन पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनाना है आपको। अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है तो आप युजवेंद्र चहल को वाइस कैप्टन क्यों बनाओगे, लेकिन अगर पिच न्यूट्रल होती है, बैलेंस पिच होती है जहाँ पे बैट्समैन प्लस बॉलर को सपोर्ट मिलता है, या फिर बॉलिंग पिच होती है, तो फिर युजवेंद्र चहल को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टन मत बनाना, स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि इस पिच पे युजवेंद्र चहल ने 6 विकेट निकाल चुके हैं। अब ओवरऑल मैचेस की बात करेंगे, 7 में से 2 टीम बैटिंग फर्स्ट टीम ने और बैटिंग सेकंड टीम ने 5 मैचेस जीते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल टी20 की बात करेंगे 202 का स्कोर जो है वो इंडिया का स्कोर है, मतलब हाई स्कोर यहाँ पे 200 प्लस का भी बन सकता है, और अगर लो स्कोर की बात करेंगे तो 150 या फिर मैं कहूँगा 130 रन के अंदर भी टीम ऑल आउट हो सकती है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बनता है 150 के नीचे का यहाँ पे बन रहा है। अब बात अगर करेंगे दोस्तों टीम न्यूज़ की, तो आप देख सकते हैं इंडिया की तरफ से कोई भी टीम न्यूज़ निकल के नहीं आई है, मतलब इंडिया हो सकती है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ खेले, लेकिन साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो लास्ट मैच में क्या हुआ था, जो शुक्रवार में मैच खेली गई थी उसमें क्या हुआ था कि टिम्बा बुमा इंजर हुए थे, रिटायर्ड हर्ट हुए थे मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे टिम्बा बुमा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर टिम्बा बुमा फिट नहीं होते नहीं खेलेंगे तो उनके जगह पे रिजा हेंड्रिक्स खेल सकते हैं, और अगर रिजा हेंड्रिक्स खेलेंगे तो फिर केशव महाराज जो होंगे वो कैप्टन हो सकते हैं साउथ अफ्रीका की इस मैच के लिए दोस्तों। अब बात अगर करेंगे बैट्समैन वर्सेस बॉलर की, जस्ट मिनट गाइस, बात अगर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैट्समैन वर्सेस बॉलर की, तो आपको ये देखना होगा कि इंडिया के पास मेन बॉलर कौन है, कितने हैं जो 4 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आवेश खाने, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल, ये इंडिया के 5 इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं जो पूरी तरह से 4-4 ओवर कंप्लीट करके 20 ओवर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इनमें से कोई अगर बॉलर सिर्फ 2 ही ओवर कंप्लीट करेगा, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या भी लास्ट मैच में बॉलिंग की थी तो इस मैच में भी 2 ओवर कंप्लीट कर सकते, तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों कैप्टन पे कि सिचुएशन किस तरह से होती है। तब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रहे और काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कोर हुआ है 100 रन पे, जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 से 3 ही विकेट गए, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पे हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कराई जा सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का भी रिकॉर्ड थोड़ा बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों साउथ अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लुंगी नेगेडी है, केशव महाराज है, तरवेश शमसी, एनरिच नोकिया है, और यहाँ पे मार्को जैनसन है, ये दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट इनके बॉलर है। अगर इनमें से कोई बॉलर 2 ओवर कम करेगा तो फिर यहाँ पे जो है डिवन प्रेजरेस से भी 2 ओवर कंप्लीट कराए जा सकते हैं, मतलब हार्दिक पांड्या और डिवन प्रेजरेस ये दोनों ही ऐसे ऑलराउंडर होने वाले जो शायद ओवर करेंगे या नहीं करेंगे, इनके पास कन्फ्यूजन होने वाला है दोस्तों। स्कोर कार्ड की बात अगर करेंगे तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इंडिया की तरफ से बात अगर करेंगे ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ ये ओपनर हो गए, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए थर्ड नंबर पे श्रेयस अय्यर, फोर्थ नंबर पे ऋषभ पंत, फिफ्थ नंबर पे हार्दिक पांड्या आएंगे, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल मिडल ऑर्डर में आएंगे, हर्षद पटेल से लेकर आवेश खान, इनके 4 इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले इंडिया टीम के। साउथ अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो क्वांटन डिकॉक, टिम्बा बुमा ओपनर्स हैं, उसके बाद डिवन प्रेजरेस है, आर्विंदर डसन है, उसके बाद क्लासेन, ये इनके 3-4-5 नंबर के बैट्समैन है, डेविड मिलर, मार्को जैनसन जो है ये मेरे हिसाब से ये इनके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है, उसके बाद देखेंगे नोकिया से लेकर नुगिडे तक मेरे हिसाब से यहाँ पे इनके ये 4 इंपॉर्टेंट बॉलर है। कगिसुल बड़ा के बारे में न्यूज़ निकलनी है नहीं आई है, लेकिन कगिसुल बड़ा अगर फिट हो गए तो इस मैच में प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे प्लेयर सिलेक्शन की, तो हम हमारे ऐप पे चलते हैं और बता दो दोस्तों यहाँ पे क्वांटन डिकॉक आपको टीम में लेना चाहिए, इसलिए नहीं लेना चाहिए कि 70% इनका सिलेक्शन है, इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे और टैलेंटेड बैट्समैन है, अगर चल गए तो 50 प्लस चलेंगे, नहीं चलेंगे तो 30 रन या फिर 25 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, तो हमारा ये एक प्लेयर हो गया। अब दूसरे प्लेयर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो हमें दूसरा प्लेयर कौन सा लेना चाहिए, क्या हमें दिनेश कार्तिक को लेना चाहिए या फिर हमें ऋषभ पंत को लेना चाहिए, सबसे पहले कौन किस नंबर पर आता है ये भी आपको दिखा देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जस्ट मिनट गाइस, अब ये थोड़ा सा लोड होगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन किस नंबर पे आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है देखना।
अब बात करेंगे दोस्तों, देखिए क्वांटनी कॉक की बात करेंगे, ये ओपन करेंगे, दिनेश कार्तिक की बात करेंगे, 6 नंबर पे आएंगे, ऋषभ पंत की बात करेंगे 4th नंबर पे, क्लासन की बात करेंगे 5th नंबर पे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, दिनेश कार्तिक 6 नंबर पे आ रहे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो 55 रन बनाए थे उससे पहले भी 30 रन बनाए थे, लेकिन कहने वाली बात क्या है, अगर बैट्समैन को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा तो होगा क्या, देखिए टॉस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से हमें प्लेयर्स को लेना है। टॉस अगर यहाँ पे इंडिया जीतती है और बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो ऋषभ पंत को लेना चाहिए। टॉस अगर इंडिया जीतती है लेकिन बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है और साउथ अफ्रीका की टीम बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो दिनेश कार्तिक को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए दिनेश कार्तिक का, क्योंकि विकेट जाएंगे और जो 6 नंबर वाला बैट्समैन है उसे भी स्कोर करने का मौका मिलेगा, वो भी 4 से 5 ओवर खेल सकते हैं, जैसे कि लास्ट मैच में दिनेश कार्तिक ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये सब कुछ टॉस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज अगर हम प्लेयर वाइज चलेंगे तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर है, लास्ट के 3 ही मैचेस में फ्लॉप हो जरूर हुए लेकिन अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 4th नंबर बैटिंग करने के लिए आएंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जो मेरा सेकंड प्लेयर होगा वो ऋषभ पंत होने वाला है विकेट कीपर। आप चाहे तो दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं, दिनेश कार्तिक को तभी लेना है जब पिच रिपोर्ट में हमें पता चलेगा कि बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा और अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो हो सकता है ऋषभ पंत ना चले लेकिन दिनेश कार्तिक फिर से चल जाए। तो दोस्तों हेनरिक क्लासन की बात करेंगे, मेरे हिसाब से स्मॉली के लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो गया तो हम इनको अवॉइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों बैटिंग सेक्शन की बात अगर करेंगे, कौन किस नंबर पर आता है ये देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईशान किशन की बात करेंगे जो कि ओपन करेंगे, अरविंदर डसन की बात करेंगे 4th नंबर पे, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, श्रेयस अय्यर 3rd नंबर पे, डेविड मिलर 6 नंबर पे, टेम्बा बोमा मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं है, इंजर्ड हुए थे, इनके जगह पे रिजा हेनरिक्स खेल सकते हैं। अभी टेम्बा बोमा के बारे में बात अगर करेंगे तो ये ओपन करेंगे। देखिए मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले ईशान किशन को लेना चाहिए, अरविंदर डसन की, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर। अब आप दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि भाई इनका सभी का सिलेक्शन 50% के ऊपर है इसलिए आपने इनको सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब मैंने आपको कहा जब वीडियो को स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे ये कहा था कि 10 प्लेयर आपको सेफ लेना है लेकिन एक प्लेयर पे आपको रिस्क लेना है, तो हमने एक प्लेयर पे तो ऑलरेडी रिस्क लिया है जो कि यहाँ पे दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके ऋषभ पंत, जिनका सिलेक्शन 36% है लेकिन दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन 43% है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिस्क लिया। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे डेविड मिलर को क्यों नहीं लेना चाहिए इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करेंगे ईशान किशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अरविंदर डसन है, ऋतुराज गायकवाड़ 57 रन की पारी खेल चुके हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तब। श्रेयस अय्यर की बात करेंगे, लास्ट मैच 4 रन पे आउट हुए लेकिन 40 रन की पारी खेल चुके हैं और श्रेयस अय्यर की बात ऐसे है दोस्तों अगर ये चलेंगे तो 40+ भी स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज 20 रन के अंदर भी आउट हो सकते हैं। अब डेविड मिलर की बात करेंगे, देखिए डेविड मिलर जो ऐसे प्लेयर है आईपीएल में इनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और देखिए पहले ही मैच में इन्होंने 64 रन की पारी खेली थी, जैसे ही इन्होंने पहले मैच में 64 रन की पारी खेली थी इनका जो सिलेक्शन था वो तकरीबन 60% के ऊपर था, ठीक है। फिर जैसे ही 3 मैचेस में इन्होंने जो पारियाँ खेली है आप देख सकते हैं 20 रन की, 3 रन की, 9 रन की, तो फिर इनका सिलेक्शन डाउन होते होते हुए आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन जो है 54% रहा है। अगर ये सेकंड मैच में थर्ड मैच में भी अच्छी पारी खेल देते तो फिर भी इनका सिलेक्शन जो होता वो ऊपर चला जाता, ऋतुराज गायकवाड़ शेयर से ऊपर जाते। लेकिन डेविड मिलर को ड्रॉप करने का रीजन ये दोस्तों नहीं है कि ये जो है इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, रीजन दोस्तों यह है कि ये 6 नंबर पे आएंगे। अब देखिए दोस्तों बॉलर्स को अगर सपोर्ट मिलेगा और इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो फिर आपको डेविड मिलर को लेना चाहिए जो कि 6 नंबर पे आएंगे। ऐसा हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की विकेट जल्दी जाए, पहले के 6 ओवर में हो सकता है साउथ अफ्रीका की 2 विकेट जाए, तो ऐसे में फिर इंडिया की टीम बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी और बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा तब फिर डेविड मिलर को लेना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो पिच पे बैट्समैन को सपोर्ट मिल रहा है ऐसे लग रहा है। यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, हार्दिक पांड्या जीवन पेटेस को लेना चाहिए, अक्षर पटेल स्मॉली के लिए अच्छे ऑप्शन नहीं होने वाले हैं, ठीक है, तो आपको ये भी सोचना नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे हार्दिक पांड्या को जीवन पेटेस को लेना चाहिए, बैटिंग प्लस बॉलिंग से दोनों ही ऑलराउंडर यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। अक्षर पटेल की बात करेंगे, देखिए फुल 4 ओवर कंप्लीट करेंगे लेकिन 7 नंबर पे आएंगे, थोड़ा बहुत रिस्की होगा, बैटिंग से पॉइंट नहीं देंगे, अगर इनको विकेट भी नहीं मिला तो हमारा एक प्लेयर यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और यहाँ पे आप देख सकते हैं लुंगी नेगेटिव को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया है, अदरवाइज अगर यहाँ पे कगिसो रबाडा खेलेंगे तो मैं फाइनल टीम में लुंगी नेगेटिव की जगह पे कगिसो रबाडा को ट्राई करूंगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना ज़्यादा रिस्क होने वाला है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने आवेश खान को ड्रॉप किया, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है दोस्तों, एक तो हमें युजवेंद्र चहल या फिर हर्षल पटेल में से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा और आवेश खान को लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो आप ऋषभ पंत को ड्रॉप करके आवेश खान को पिक कर सकते हैं। लास्ट मैच में 4 विकेट निकाला था लेकिन उससे पहले देखा जाए इनको कोई भी विकेट नहीं मिला, 3 ही मैचेस में 0 विकेट मिले थे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे नोकिया की तो नोकिया भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार कि किसने कितना विकेट निकाला है। सबसे
पहले बात करेंगे इंडिया की टीम की, तो हर्षल पटेल कंटिन्यूसली विकेट निकाले, आप देख सकते हैं युजवेंद्र चहल कंटिन्यूसली विकेट निकाले, इन दोनों को ड्रॉप करना थोड़ा बहुत रिस्की होने वाला है। हालांकि देखा जाए यहाँ पे अगर स्पिनर को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन युजवेंद्र चहल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार तीनों मैचेस में विकेट निकाला, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, इसलिए इनका सिलेक्शन डाउन हुआ है। आवेश खान की बात करेंगे, तीनों मैचेस में विकेट नहीं लेकिन चार विकेट निकाले, तो इनका सिलेक्शन थोड़ा अप हो गया दोस्तों। उसके बाद लुंगी नेगी की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट मैच में दो विकेट निकाले, इसलिए इनका सिलेक्शन अप हो गया है। एनिस नोकिया लास्ट मैच आप देख सकते हैं यहाँ पे विकेट मिला, एक ही विकेट मिला, लेकिन यहाँ पे लुंगी नेगड़ी को विकेट मिला, इसलिए नोकिया का जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन डाउन हुआ है। अदरवाइज नोकिया को अगर दो विकेट मिलते तो ये नुगेरी के ऊपर चले जाते दोस्तों, ये भी आपको देखना है। मार्को जेनसन की बात करेंगे, एक विकेट निकाला, केशव महाराज मेरे हिसाब से स्मॉली के लिए अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, तरवे शमसी तो स्मॉली के लिए आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं नोकिया को भी आप ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पे नुगेरी को भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा, नुगेरी को ट्राई करूंगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे कगिस रबाड़ा खेलेंगे तो कगिस रबाड़ा आपको मैं ट्राई करने वाला हूँ। अब आपको टीम दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स की, तो आप देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार आवेश खान है, उसके बाद हर्षल पटेल भुवनेश्वर कुमार आवेश खान डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। मार्को जेनसन लुगी नेगड़ी है यहाँ पे, उसके बाद एनिच नोकिया लुगी नेगड़ी, और यहाँ पे देखा जाए गिवन प्रेटरेस है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे दोस्तों, ये 10 प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, आप देख सकते हैं इसमें डेविड मिलर का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है, और एक प्लेयर पे आपको रिस्क लेना है जो कि यहाँ पे ऋषभ पंत होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ऋषभ पंत का भी नाम मैंने नहीं लिखा है जिसपे हमने रिस्क लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे, ईशान किशन क्वांटन डिकॉक हार्दिक पांड्या जीवन प्रेटरियस ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। हम अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको टीम दिखा देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से प्रेटरियस को कैप्टन इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि ये दो कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होने वाले, हार्दिक पांड्या भी सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होने वाले इंडिया की तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से प्रेटरियस सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होने वाले हैं। ऐसे में अगर जीवन प्रेटरियस बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट अगर देंगे तो इंपॉर्टेंट हो गए, प्रेटरियस मेरे कैप्टन होने वाले हैं। बात अगर करेंगे वाइस कैप्टन की तो क्वांटन डिकॉक को वाइस कैप्टन बताऊंगा। अदरवाइज अगर देखा जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाया है, कैप्टन बनाया है प्रेटरियस को, आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो कैप्टन बनाया है आप देखोगे तो यहाँ पे ईशान किशन को कैप्टन बनाया, उसके बाद क्वांटन डिकॉक, उसके बाद हार्दिक पांड्या, लेकिन मैंने रिस्क लिया जो कि 7.5% लोगों ने कैप्टन बनाया डिवॉन प्रेटरियस को। लेकिन वाइस कैप्टन की बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वाइस कैप्टन प्रेटरियस को बनाया, हमने कैप्टन बना दिया है, और हार्दिक पांड्या को, उसके बाद देखेंगे ईशान किशन, और सबसे नीचे अगर देखा जाए फोर्थ नंबर पर आते हैं जो क्वांटन डिकॉक है, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया क्वांटन डिकॉक को वाइस कैप्टन बनाया। अब दोस्तों ये हमारी टीम का प्रीव्यू होने वाला है, इस तरह से हमारी टीम होने वाली है, लेकिन फाइनल टीम नहीं है, टॉस के बाद ही जो फाइनल टीम होगी वो अलग होगी। अब दोस्तों इसे में अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऋषभ पंत की जगह पर दिनेश कार्तिक को लेना चाहिए, तो आप इस तरह से टीम बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत तीनों में से किसी को भी नहीं लेना चाहिए, आवेश खान फिर से इस मैच में कमाल दिखाएंगे, तो फिर आप आवेश खान को ले सकते हैं, इस तरह से आपकी टीम बना सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नोकिया को लेना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे कगिस रबाड़ा खेलते हैं तो आप कगिस रबाड़ा को ले सकते हैं, तो ये दो प्लेयर हो सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी बैलेंस टीम होगी। लेकिन मेरी टीम इस तरह से नहीं बनेगी, मेरी टीम जो बनेगी इस तरह से बनने वाली है, आप देख सकते हैं ये मेरी टीम होने वाली है। लेकिन फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के लिंक दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, साथ ही साथ जो फर्स्ट कॉमेंट होगा वो ओपन करेंगे तो फर्स्ट कॉमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ 50,000 रुपये का जो गिव अवे है, फ्री गिव अवे, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन इस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।